なっちゃうもん。एक शब्द और ऐड कर देना चाहिए डिक्शनरी में, सरकारी। इतने स्लो होते हैं भाई, बहुत स्लो होते हैं यार ये। अपन अभी LIC में बैठा था दो घंटे से LIC में बैठा था। बस मेरे को ये पूछना था, ये पॉलिसी चल रही है या बंद हो रही है। दो ढाई घंटे बैठा रहा, और जब अपना नंबर आया तो बोलते हैं सर 2 मिनट रुक जाओ, सर्वर डाउन चल रहा है। अपने नंबर पे ही सर्वर डाउन हो गया भाई, बहुत दिक्कत है यार। सर्वर खुलते खुलते आधे घंटे हो गए, आधे घंटे और वेट किया, अब भी काम नहीं हो पाया। खैर छोड़ो, ये तो नहीं सुधरने वाले। अभी मैं नोएडा की उस कंपनी के सामने खड़ा हूँ जो सबसे पहले नोएडा में खुली थी या जिसकी स्थापना हुई थी, गेल इंडिया लिमिटेड। ये गेल इंडिया कंपनी है, ये सेक्टर 1 में है और दिल्ली के टच में ही है। सबसे पहले सेक्टर 1 की स्थापना हुई थी, अब तो बहुत सारी होगी, सबसे पहली ऊंची कंपनी। अपन ऐसी सारी चीजें बताता रहेगा आपको, कभी घमंड नहीं किया, नॉलेज बहुत है, कभी घमंड नहीं किया। और एक चीज और, ये जो अभी ये मैंने दिखाया, राइट साइड में गेल है और लेफ्ट साइड में टकसाल है जहाँ सिक्के छपते हैं, सिक्के उसका मैं कैसे दिखाऊं समझ में नहीं आ रहा, दीवारी दिख रही है, देखते हैं। तो आज मौसम ने ले ली है, मतलब मौसम का समझ में ही नहीं आ रहा। थोड़ी सी बारिश, फिर धूप, फिर बारिश, फिर धूप। तो अपन जैसे ही टकसाल पे पहुंचा, बारिश शुरू हो गई, अपन जल्दी से वहां से भागा, फिर धूप निकल गई, फिर फोन निकाला, फिर बारिश होने लगी। मैंने फोन अंदर रखा और चुप घर चला आया, मैं घर जाके बातें कर। तो अपना नोएडा भी किसी से कम नहीं है। आपने देखा टकसाल का गेट, वो बड़ा सा गेट, बहुत सिक्योरिटी होती है। आजादी के बाद की प्रथम टकसाल है जो नोएडा में स्थापित की गई है भाई, तो नोएडा वालों खुश हो जाओ। और वैसे चार टकसाल है जो सिक्के बनाती हैं, जो हम 1-2 रुपए 10 रुपए ये जो भी खर्च करते हैं, ऐसी इंडिया में 4 है। लेकिन वो जो बाकी 3 है वो आजादी से पहले की थी, और ये वाली जो है वो आजादी के बाद। जो बाकी के 3 है वो हैदराबाद टकसाल, कोलकाता टकसाल, मुंबई टकसाल, क्योंकि यार पहले यही थे फेमस जगह, यहीं पे होता था। नोएडा था, अभी बना है, लेकिन मौज कड़ी कर देता है बेटे। जैसे गेल है वो भी नोएडा की पहली ऊंची इमारत है, ऐसी टकसाल। मैं बेसिकली अपना LIC के काम से गया था, मैंने सोचा आपको बता दूं। जो भी लोग नोएडा में रहते हैं वो ऐसा ना सोचे नोएडा में कुछ नहीं, बहुत कुछ है भाई नोएडा में भी घूमने के लिए, समझे। ऐसे जो लोग जहां होता है ना, उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास कुछ नहीं है घूमने वाला, लेकिन ढूंढो, मिलेगा कुछ नहीं कुछ घूमने वाला। घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, घर के आसपास का सारा छान मारो, उसके बाद बाहर निकलो, समझे। नहीं समझे, मैं समझ गया। ये तो होता रहता है भाई, नॉर्मल है। तो हम बात कर रहे थे टकसाल की स्थापना 1 जुलाई
1988 में हुई थी। और मेरे को इसके बारे में ये भी पता चला है कि आप उसमें इंसान जो उसमें मतलब वर्कर है, एम्प्लॉई है, जो काम करते हैं वहां पे, वो नोट चाहे जितने मर्जी ले जाए लेकिन सिक्का एक भी नहीं ले जा सकते अंदर, है ना। आप सिक्कों की कंपनी में काम कर रहे हो और सिक्का लेके जाओगे, इम्पॉसिबल। तो इसलिए आप जितने मर्जी चाहे नोट ले जाए लेकिन सिक्का एक भी नहीं होना चाहिए। बड़ी सख्त सिक्योरिटी है वहां पे, ऐसे पूरा पैक कर रखा है, दीवार ऊंची ऊंची बना रखी है। अभी दीवारें दिखाई मैंने आपको, दीवार ऊंची ऊंची बना रखी है। तो है भाई, गवर्नमेंट पैसा पैसा। जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो है LIC। मैं गया था LIC में, LIC का समझ में नहीं आया मेरे को, बहुत दिक्कत हुई LIC में, काम भी नहीं हुआ। क्यों प्रॉब्लम ये आई कि हमने जो LIC करवाई थी 15-16 साल पहले, जब भी वो एजेंट के थ्रू कराई थी, अपने को इतनी नॉलेज थी नहीं, तो इसलिए एजेंट के थ्रू कराई थी। उसने क्या करा क्या नहीं करा, पर्ची वर्ची तो सब थी अपने पास, लेकिन वही है ना, जब पैसों की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट के चक्कर काटते रहो, इतने में इंसान निकल लेगा, फिर क्या करेंगे पैसे के। तो ऐसे मतलब थोड़ा सिस्टम खराब है, सिस्टम सरकारी का डेफिनेशन बताया ही था मैंने आपको। तो मैं एक चीज ऐसे आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप LIC वगैरह या कोई भी पॉलिसी लेते हैं, ये जीवन बीमा लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, वो किसी एजेंट के थ्रू मत करवा भाई। ऐसे नेट पे सर्च मारो, उसके बारे में जानकारी लो और उस कंपनी से जाके करवाओ, जो भी उनका हेड ऑफिस है या फिर कुछ भी है वहां जाके करवाओ, एजेंट के थ्रू मत करवाओ। एजेंट तो कभी आज है कल नहीं रहेगा, कहीं चला गया हो तो नाक जाम हो गई। तो आई होप गाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम जल्दी घूमने जाएंगे कहीं और, छोड़ेंगे नहीं, सब घूम लेंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर।